तीन दिन में इंसुलिन बंद हो जाएगा, क्योंकि जो 15-20 साल से ले रहा है उसके लिए तीन दिन इम्पॉसिबल लगता है। पर उन्होंने मुझे एकदम क्लियरली बताया था कि तुम जब भी चालू करो रेगुलरली तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज मेजर करना, बिकॉज कोई डॉक्टर बोलेगा नहीं कि जो तू कर रहा है वो सही है, और कोई डॉक्टर बोलेगा नहीं कि इंसुलिन कम करो या बंद करो। तो आप खुद अपने डॉक्टर बनाए। तो मैं बोला क्या खा सकते हो, तो उन्होंने बोला सीजनल फ्रूट खा सकते हो। मैं बोला राजू भाई ये मे चल रहा है, डायबिटिक हूँ, सीजनल फ्रूट मतलब मुझे एक ही फ्रूट दिखता है मैंगो, और कोई फ्रूट मुझे नहीं दिखता है। उन्होंने बोला देखो जितना खा रहे उतना खाना मैंगो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला मैं चैलेंज करता हूँ, मैं खाऊंगा। तो राजू बोला मैं चैलेंज करता हूँ, कुछ नहीं हुआ, जितना खाना है खाना। फिर मैंने उनको पहले के लिए पूछा, मैं बोला मैं डायबिटिक हूँ, मैंगो चिक्कू केला और ग्रेप्स ये चारों खा सकते। बोला चारों खा सकते। सबसे पहले तो 16 घंटे का जो फास्टिंग बड़ा हो गया था, फिर ग्रीन जूस लिया, बाद में लंच में मैंगो खाया, पहली बार पेट भर के मैंगो खाया लंच में। कितने सालों बाद खाए वो भी मुझे याद नहीं है, सालों बाद पेट भर के सिर्फ मैंगो खाया लंच में। और फिर शाम को जरा भूख लगी वापस तो ग्रेप्स खाई, 2-2 किलो का आगे ग्रेप्स का डब्बा ला के ही रखा था मैंने, जी भर में ग्रेप्स खाया। और रात को कौन ककड़ी का बेटा टमाटर उसका कॉम्बिनेशन करके, वेरी फर्स्ट डे रात को सोने के पहले मैंने मेरा ब्लड ग्लूकोज चेक किया, वो 60 था। इंसुलिन का डोज मैंने 1/3 कर दिया मेरा, सुबह का और रात का दोनों। इंसुलिन लेने के पहले तीसरे दिन 80 था, तो मैंने वो थर्ड डे काउंटिंग, थर्ड नाइट को मैंने इंसुलिन बंद कर दिया। वो दिन है आज का दिन है मेरा इंसुलिन बंद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए, और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।